अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नईम हक फूड सीक्रेट। आज की हमारी रेसिपी है मूली वाली रोटी। शाहकार रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार, हर दिल अजीज़। जिन बहनों और भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मूली हमने ली है तकरीबन 3 अदद, क्योंकि अभी नई नई आई हैं तो इसलिए ये ज़रा दरमियाने हैं साइज़ में और बड़ी मुश्किल से मिली हैं। हम इन्हें कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद हम इन्हें एक सफ़ेद जाली या सफ़ेद कपड़ा या कोई भी कपड़े में, किसी भी कपड़े में जो फटे नहीं, उसमें हम इसको, इसके पानी को निचोड़ लेंगे। इसको अच्छी तरह इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। इसमें हम लहसुन, अदरक, नमक, गरम मसाला, खुश्क मिर्च, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हम इनको कूट लेंगे। कूटने के बाद हमने इनको ये मसाला बना के हमने निकाल लिया है। मूलियों के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा लाइट फ्राई करेंगे बगैर ऑयल के। सिर्फ इसका हल्का हल्का पानी मज़ीद खुश्क हो जाए। अब हम इसको ठंडा करने के लिए खुले किसी बर्तन में रख देंगे और इसको फैला देंगे। इसमें अब हरी मिर्च, पुदीना, धनिया शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाने के बाद हम इसमें बेल लेंगे हल्का हल्का, और इसके बाद इस तरह हम इसमें फिल अप करेंगे। अब हमने रोटी तैयार करके तवे पे डाल दी है। ये राइट, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और इसके साथ हम इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का या ऑयल का, जो भी आपको इजी लगे। रोटी को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए फ्लेम को थोड़ा हाई रखें और ज़रा ज़्यादा स्पीड से इसको चलाएं। रोटी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी तैयार हो चुकी है। जितनी प्यारी ये तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका जायका भी उतना ही शानदार होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।